हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस अकेडमी विद गौतम के साथ। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए प्लांट ब्रीडिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारे सभी कंपिटेटिव एग्जाम तथा बीएससी एजी के जो होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसके लिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्वपरागित संयुग्म पौधों की संयुग्मन पीढ़ी कहलाती है, जो इसकी पीढ़ी कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा शुद्ध वंश क्रम। ओके दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो ये दोस्तों जो दी थी जॉनसन ने सन 1909 में, सॉरी 1903 में। ओके दोस्तों, 1993। ओके दोस्तों, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस क्वेश्चन नंबर 3, स्वपरागित फसलों के लिए प्रयोग होने वाली प्रजनन विधियां कौन सी हैं? स्वपरागित फसलों में जो विधियां उपयोग की जाती हैं उन विधियों के नाम, तो दोस्तों जो है शुद्ध वंशक्रम चयन, समूह चयन, संतति चयन, वंशावली चयन, एकल बीज, वंशज, प्रपुंज विधि या पूर्व संस्करण विधि। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा है संतत परीक्षण किसने विकसित की, यानी कि जो संतत परीक्षण है उस किसने विकसित की? तो वो दोस्तों की थी लुईस सी बिलमोरिल ने। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संतत परीक्षण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो संतत परीक्षण है उसका एक दूसरा नाम है वो है बलमेरिन पृथक सिद्धांत विधि, यानी कि बलमेरिन पृथक सिद्धांत विधि। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, चयन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, यानी कि जो सिलेक्शन की ओल्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो है हमारा समूह चयन। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जई में सर्वप्रथम एकल बीज वंशज विधि किसने प्रयोग की थी? तो वो जो की थी हमारे ग्रेफियर्स ने 1965 में। ओके दोस्तों, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत में जॉनसन ने किस फसल पर कार्य किया, यानी कि जो शुद्ध वंशन सिद्धांत था उसमें जॉनसन ने किस फसल पर कार्य किया था? तो वो दोस्तों कार्य किया था उन्होंने राजमा पर। ओके दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जिससे कि आपके अन्य दोस्तों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, समूह वंशावली विधि किसने प्रतिपादित की? जो समूह वंशावली प्रतिपादित की है दोस्तों वो है हैरिंगटन 1937। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जब यफ वंश संकर का क्रॉस किसी भी पित्र से कराया जाता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूर्व संकरण, यानी कि बैक क्रॉस। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रपुंज विधि सर्वप्रथम किसने प्रयोग की थी? जो बल्क मेथड था दोस्तों उसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? वो किया था निकलसेन हेकले ने सन 98। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, प्रपुंज विधि का रूपांतरण कौन सी विधि है, यानी कि प्रपुंज विधि की जो रूपांतरण विधि है वो कौन सी है? तो वो दोस्तों है हमारी एकल वंशज विधि, जो है हमारी एकल वंशज विधि। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, एकल बहुवंश क्रम किसका मिश्रण है? तो ये दोस्तों है विभिन्न शुद्ध वंश क्रम का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्ती या पुनरावर्ती चयन शब्द किसने दिया? तो ये दिया है हल ने 1945। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, मक्का में संश्लेषित किस्मों का व्यापारिक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था हेज गार्वर ने 1990 में। ओके दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 16, संश्लेषित किस्में किससे विकसित की जाती हैं? दोस्तों, जो संश्लेषित किस्में हैं, किस्में होती हैं, वो किससे विकसित की जाती हैं? तो वो विकसित की जाती हैं इनब्रीड, अंतः प्रजात, क्लोन या प्राय परागित या मुक्त परागित किस्मों से जो की जाती हैं और किस्में विकसित की जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पुनावर्ती चयन की विधि का अध्ययन किसने किया था? वो किया था जेनकिंस ने 1940 में। तो दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रभाविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ जो है प्रभाविता है, तो इस पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों है डेन पोर्ट ने 98। इस क्वेश्चन नंबर 19, मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए डबल क्रॉस तकनीक किसने विकसित की? या डबल क्रॉस तकनीक का जो उपयोग किया था वो किसने किया था? वो दोस्तों किया था डी एफ जोन्स ने 1920 में। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अति प्रभाविता परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? वो की थी सलवा ईस्ट ने 1908 में। ओके दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21, अति प्रभाविता शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो अति प्रभाविता शब्द था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? वो दिया था हल ने 1945 में। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, शीर्ष संस्करण विधि टॉप क्रॉस मेथड का क्या होता है? जो टॉप क्रॉस मेथड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं अंतः प्रजात व मुक्त परागित किस्मों के बीच संस्करण, यानी कि टॉप क्रॉस। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 23, उपयोगी ओजता यूजफुल हेटरेसिस शब्द किसने दिया? वो दिया था मेरेडिथ ब्रिज ने 1972 में। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, जब हेटेरोसिस का आकलन उत्कृष्ट पैतृक से अधिक किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेटरोलिटोसोसिस, हेटरोवोल्टिओसिस। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 25, वो है हेटरोसिस शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? वो किया था सल ने 1940 में। सल ने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, हेटेरोसिस को किस अन्य नाम से जानते हैं? जो हेटेरोसिस का दूसरा नाम है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है हमारा हाइब्रिड वेरिएंट, यानी संकर रोज के नाम से भी जानते हैं। और इसका सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो किया था सल ने 1914 में। हेटेरोसिस को परिभाषित कीजिए। जब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेटेरोसिस को परिभाषित कीजिए, यानी हाइब्रिड वाइगर जो है इसे परिभाषित करना है। तो ये है इसका आंसर, जब यपवन संकर एक या अधिक गुणों में अपने पैतृक से उत्कृष्ट हो तो इसे हेटेरोसिस कहते हैं। जब यपवन पीढ़ी जो है अपने संकर, हमारी जो यवन पीढ़ी है अपने संकर गुण में एक से अधिक गुणों में अपने पैतृक गुण से उत्कृष्ट हो तो इसे हम लोग हेटेरोसिस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है, लुक्सुरियंस यानी कि विपुलता, लुक्सुरियंस जो विपुलता को परिभाषित कीजिए। तो विपुलता जो होती है हमारी यवन संकर अपने पैतृक की अपेक्षा वनस्पतिक वृद्धि में उत्कृष्ट हो। जब यवन संकर अपने पैतृक की अपेक्षा वनस्पतिक वृद्धि में उत्कृष्ट हो इसे हम लोग विपुलता कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, उपयोगी
हेटेरोसिस को परिभाषित कीजिए। मानव व्यापारिक किस्म की अपेक्षा यवन संकर का उत्कृष्ट होना हेटेरोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, यवन संकर क्रॉस प्रभावित संयोजन के साथ कराना क्या कहलाता है? इसे कहलाता है हम टेस्ट क्रॉस। ओके दोस्तों, ये जो कहलाता है हमारा टेस्ट क्रॉस, यानी कि जब हम यवन पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावित संयुग्मज के साथ कराते हैं तो उसे वो कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 31, डाई एलील सेलेक्टिव मेटिंग सिस्टम की अवधारणा किसने दी? तो ये दोस्तों दी थी जॉन जेनसेन ने 1970 में। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। डिसरप्टिव मेटिंग एवं सिलेक्शन की अवधारणा किसने दी? ये जो डिसरप्टिव मेटिंग है इसकी अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी दोस्तों मादर बात थोड़े, मादर ने दी हमारी 1993 तथा थोड़े ने दी 1998। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, संश्लेषित किस्मों के विकास में सामान्य अवधारणा है संकर ओज का दोहन। ये संश्लेषित किस्मों के विकास में जो सामान्य अवधारणा है उसे हम लोग कहते हैं चयनित पर परागित लाइंस के सम्मिश्रण से विकसित किस्म कहलाती है। वो कहलाती है जो विकसित किस्म होती है वो संकर किस्म होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग रोधिता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यानी जो रोग रोधिता है पौधे में, जो रोग रोधिता है उसे हम लोग किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं? वो कर सकते हैं विभिन्न जीनों के द्वारा। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी से मेरा सभी ने अनुरोध अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।